फ्रेंड्स, वेलकम टू वीक टीम ग्रेटर नोएडा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉज इफेक्ट डायग्राम। ओके, तो समझते हैं कि कॉज इफेक्ट डायग्राम क्या है। इसको हम लोग फिश डायग्राम भी कहते हैं, क्यों कहते हैं और कैसे मतलब ये फॉर्म होता है। तो देखिए, इसका जो है रूट कॉज एनालिसिस इज यूजफुल प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। फिगर आउट वॉट निगेटिव इवेंट्स आर अकरिंग मीन्स रूट कॉज एनालिसिस जो है वो प्रोसेस ऑफ मतलब किस समझने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है किसी भी कंपनी में या फिर बैंक में किसी भी जगह प्रॉब्लम क्या है। अगर मुझे समझ में आ जाए कि इसके कॉज क्या है किसी भी चीज़ को, मतलब कि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा वहाँ पर कॉज क्या है, तो उसके मतलब इफेक्ट को हम लोग उसको इम्प्रूव करके उसके कॉज को इम्प्रूव करके और हम लोग प्रोडक्टिविटी वहाँ की इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने मतलब कॉज इफेक्ट डायग्राम का हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात आई इसको फिश डायग्राम क्यों कहते हैं, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो फिश की बोन की तरह होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको फिश डायग्राम बोलते हैं। और इसका नाम इशाका डायग्राम भी है। इशाका प्रोफेसर जो थे उन्होंने 1960 में इसको इन्वेंट किया था, तो इसीलिए इसको हम लोग इशाका डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, तो वे राइट डाउन द एग्जैक्ट प्रॉब्लम यू फेस, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे हम लोग ये बोन मतलब ये जो है तो इस ब्लॉक्स में ऐसे लिखेंगे जो भी प्रॉब्लम कॉसेस हैं इनके। वे अप्रोप्रिएट आइडेंटिफाई हु इज़ इन्वॉल्व, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं, व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड व्हेन एंड वेयर इट अकर्स, कब और कहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। देन राइट द प्रॉब्लम इन अ बॉक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पेपर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द बॉक्स। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली लाइंस ड्रॉ करेंगे और मशीन पीपल मेथड्स मटेरियल्स ये फिश के जो बोन है इस पे ऐसे हम लोग राइट डाउन करते हैं इन ब्लॉक्स में, जिससे कि कॉज मुझे पता चले तो यहाँ पे लास्ट में एंड पे इफेक्ट, यानी इन सबको कॉज में हम लोग इम्प्रूवमेंट करके यहाँ पे इफेक्ट इसका क्या होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। ओके, और ये जो मशीन्स हैं ब्लॉक्स में ये जो नीचे लाइंस है वो सारी इसकी सब्सिडरीज है। मीन्स मशीन में भी क्या प्रॉब्लम होते हैं, हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में हो सकती है प्रॉब्लम, तो ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी प्रॉब्लम। फिर पीपल में मे भी हो सकता है कि इसमें ये देखिए मोटिवेशन है, मोटिवेशन प्राइमरी हो जाएगा, फिर मोटिवेशन की कमी है तो हो सकता है उनको वेज सही से नहीं मिल रहा हो, सैलरी सही नहीं मिल रही इसके कारण, तो उस पर हम लोग वर्क कर सकते हैं। देन मे बी वहाँ पे जो पीपल वर्कर्स हैं उनको एजुकेशन सही नहीं मिल रही है तो उनको सही ट्रेनिंग देके हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। देन मैथड्स, इसके मैथड्स क्या है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मैथड होना चाहिए वर्किंग के लिए, तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई मतलब कुछ भी काम कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करती है, तो इसीलिए उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। देन मटेरियल्स में क्या है, प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको इम्प्रूव, तो ये सारे कॉजेज हैं और बाई इम्प्रूविंग है तो इसीलिए उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। देन मटेरियल्स में क्या है, प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है तो इसको इम्प्रूव, तो ये सारे कॉजेज हैं और बाई इम्प्रूविंग इट वी कैन गेट राइज इन प्रोडक्टिविटी। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। फिर एडवांटेज क्या है इसका, तो इट हेल्प्स टीम्स टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर मैनी कॉसेस दैट कंट्रीब्यूट टू एन इफेक्ट। ओके, तो मतलब ये हमको ये समझने में मदद करता है कि क्या क्या इनमें कॉसेस क्या है, रीजंस क्या है, और जब हमें किसी भी चीज़ की रीज़न पता चल जाती है तो फिर हम उसके सॉल्यूशन तक या फिर उसके सॉल्यूशन तक ईजिली पहुँच जाते हैं। तो मेन होता है कि फाइंड आउट करना है कि इसके मेन रीजंस क्या है। इट ग्राफिकली डिस्प्लेज द रिलेशनशिप ऑफ द कॉजेस टू द इफेक्ट एंड टू ईच अदर। तो ये हमको ग्राफिक मतलब ग्राफ के थ्रू शो हो जाता है कि इसमें क्या क्या कॉजेस हैं और हमको क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव करनी है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, भाई कि मतलब ये हमको हेल्प करती है कि किस किस जगह हमको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जैसे मशीन में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, मेथड्स में स्टैंडर्ड मेथड नहीं होने की वजह से प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो सकती है, मटेरियल्स पीपल में भी अगर उनको मतलब मोटिवेशन नहीं है या फिर सैलरी कम मिल रही है या स्किल नहीं है उस टाइप की, तो फिर ये सब रीज़न हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉज इफेक्ट डायग्राम समझ में आया होगा और
इजी है, कुछ भी नहीं है। और फिश बोन डायग्राम इसलिए कहते हैं बिकॉज ये फिश के शेप में होता है, फिश के बोन की शेप में, तो इसीलिए। ओके, तो मिलेंगे हम लोग किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू।